बात आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, इस घर में दूसरा नौकर चाहिए। दर्द ठीक हुआ? आधा दर्द तो आपको देखते ही ठीक हो गया था। तुझे प्यार हो गया है? हाँ, मुझे प्यार हो गया। बिजली कब तक दर दर भटकती रहेगी आपके साथ? इसी बात की तो चिंता है। तो बाबा आप समझ लीजिए, सबरवाल फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। रहा सवाल इस खोते की मदद का, तो ठीक है, उसके लिए एक नौकर और रख लो। नौकरी के लिए बोली थी? हाँ, हमारे मदर इन लॉ हमको बताया था। मैंने उसको वादा किया है कि उसको अपने घर में नौकरी दिलाऊंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल। डोंट वरी सेवक राम, तुम्हारी बिजली को फीस नहीं होने देगा। 10 बज गए, अभी तक बिजली नहीं आई है। सारा किया कराया चौपट हो जाएगा। ऊपर से यह राजकुमारी के आने से और गड़बड़ हो गई है। मुझे लगता है बिजली को लेने के लिए खुद जाना पड़ेगा। कोई है घर में नाड़ी दबा के? बिजली, तुम आ गई हो? बिजली, कितनी देर लगा दी तुमने आने में, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मालिनी भाभी से मिलवाता हूँ। मालिनी भाभी, ये बिजली पहुंचू। हाँ, मैं आशीर्वाद दीजिए मालिनी भाभी। ये मालिनी भाभी है, इस घर की जान है, शान है, बहू है, इस घर की बेटी है, बलिदान है, ममता की मूर्त है। यो 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 सेवक राम, इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। बिना तारीफ के भी बिजली की नौकरी पक्का है। चलो चलो घर दिखाती हूँ। आओ आओ आओ। उधर नहीं, उधर। मालिनी भाभी, आपने बिजली के साथ बाहर एग्जिट क्यों ली? बिजली की एंट्री के लिए हमको एग्जिट लेना पड़ा। पीसीओ का घर रोशन कर रही है। क्या मतलब? सेवक राम, तुम आदमी हो या ट्यूबलाइट? एक बात समझने में इतना देर करता? बिजली को पीसीओ के घर में सेट कर दिया। पीसीओ भाभी के घर? लेकिन क्यों? अड़क कड़ोड़े, तुमने तो बताया ये मेरी इज्जत का सवाल है, नहीं तो मेरा नाक कट जाएगी। बिजली को काम मिल गया, तुम खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ। कितना खुश हूँ ये मेरा दिल जानता है। अयो, बात खुशी का करता लेकिन एक्सप्रेशन सैड देता। अरे बाप रे, संभल कर चला लिया करो, अच्छा एवरेज मिलेगा। नौकर जब दिख रहा है तो मदद नहीं कर सकता क्या? ओ कचर पट्टी की राजकुमारी, संभल कर। हमसे पंगा मत लेना, ये कपड़े धोए हैं, इन्हें बाहर सुखा क्या? तुम्हारे हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है? तुमने डाल सकते हो कपड़े धूप में सुखाने के लिए? धोए तो हमने है ना, तुम्हें तो सिर्फ बाहर सुखाने के लिए बोल रहे हैं। मशीन ने धोए, तुमने क्या किया? क्या किया है तुमने? क्यों, मशीन को स्विच ऑन ऑफ किसने किया था? देखो, नौकरों से बहस करने की आदत नहीं है हमें। तुम्हें तो नौकरी करने की भी आदत नहीं है, तुम्हें तो अपने 10x10 के कचर पट्टी के झोपड़े में आराम करने की आदत है। हमें नौकरों के ताने सुनने की भी आदत नहीं है, जितना कहा गया है बस उतना ही करो। राजकुमारी जी, आपकी गलती नहीं है, सारी गलती आपके माँ बाप की है, जिन्होंने गलती से आपका नाम रख दिया राजकुमारी। चुप! मैं मदद करूं? बाल्टी में हाथ लगाने को बोल रहा था। बिजली, तुम यहाँ? ए मिस्टर, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी नाड़ी दवा के? कर दी ना गंवारों वाली बात, इतने बड़े बंगले में कोई शक्कर मांगने के लिए नहीं आता। शक्कर मांगने कौन आया? मैं तो तुमसे मिलने आई थी नाड़ी दवा के। सच में बिजली? और क्या, सुबह सुबह मालिनी भाभी मुझे लेके चली गई पीसीओ भाभी के घर, और जाते जाते मुझे नौकरी मिल गई, और वो जो मैं तुमसे कहना चाहती थी ना, वो तो मैं कहीं नहीं पाई। वो? बोलो। हाँ, थैंक यू। बस मैंने शक्कर का जार घर पे गिरा दिया और तुम्हारे पास चली आई शक्कर मांगने। इतना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो बुद्धू है ना, है ना? लेकिन एक बात बताए, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ना बाबूजी से कह करके तुम्हारा पूरा इलाज करा दूंगी। बाबूजी के पास 70 जड़ी बूटियों वाली एक स्पेशल दवा है, और उसको खाते ही तुम एक महीने के अंदर बिल्कुल होशियार हो जाओगी नाड़ी दवा की मेरी तरह। समझे बुद्धू? तुम मुझे बुद्धू बोलने आई हो कि थैंक यू बोलने आई हो? सॉरी सॉरी, थैंक यू। वो सेवक राम, तुमने ना मुझे इतनी अच्छी नौकरी दिला दी, और पीसीओ भाभी बहुत अच्छी है, मैं ना वहाँ पे बहुत खुश हूँ नाड़ी दवा की। तू यहाँ पे गप्पे हांक रहा है और वहाँ सब दूध का इंतजार कर रहे हैं? मुझे नौकरों की आदत
बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है सेवकराम? नाम राजकुमारी है इस घर में नौकरानी। ओ नौकरानी, तू कौन है? मैं पीसीओ भाभी के घर काम करती हूँ, नाम है बिजली नाड़ी दबाके। है तो नौकरानी ही ना। क्या प्यार की चोंच लड़ा रहे थे? ए फुटबॉल, तू अपनी चोंच बंद कर समझी। हम लोग कुछ भी करें तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो वरना। वरना क्या कर लेगी तू? मैं ना पहाड़ी पहलवान की बेटी हूँ, मुझे ना एक मिनट में हड्डी तोड़ना और हड्डी जोड़ना आता है, समझी? तो तू तोड़ के दिखा, कौन सी हड्डी तोड़ेगी तोड़ के दिखा। तुम बता कि मैं तुम्हारी कौन सी तोड़ू, तेरे सर की तोड़ू, पैर की तोड़ू या हाथ की तोड़ू? तूने मेरे साथ पंगा लिया, तू सोच ले। ओहो, एक मिनट, एक बिजली है दूसरा तूफान और बीच में पड़ गया बेचारा सेवक राम। सेवक राम आ रही है, आ रही है। आओ मैं तुम्हें शक्कर देता हूँ। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्यार कोई खेल नहीं। बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भैया। हाँ भैया, अब तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा, अब तो तुम्हारा भी चक्कर चल रहा है ना। कैसी है बिजली? क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल हो गई है। सेवक राम, तुम्हारी कहानी में बहुत ट्विस्ट है। लेकिन कहानी है बड़ी कमर्शियल। मैं सोच रहा था इसका टाइटल क्या रखूं, बिजली का सेवक या सेवक की बिजली? सेवक वाली बिजली रखी है, कुछ भी रखो, टाइटल से क्या होता है। ये बताइए कि बिजली इस घर में कैसे आए? अरे आप तो स्त्री एवं प्रेम रोग विशेषज्ञ हैं, बताइए ना। इट्स वेरी सिंपल सेवक राम, कुछ भी करके ऐसा चक्कर चलाओ कि बिजली पीसीओ आंटी के यहाँ से नौकरी छोड़ दे और राजकुमारी अपने यहाँ से। जैसे ही राजकुमारी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से बिजली इन होगी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आइडिया दे दिया आपने, तो मेरी आंखें खुल दी। वाह, क्या करूँ इसके लिए, क्या करना होगा, कैसे करूँ, क्या मतलब, क्या? अभी तो बताया क्या करना है। बिजली किसकी जोड़ते? मेरी। बिजली का चक्कर किसके साथ? मेरे साथ। और कौन चाहता कि बिजली इस घर में काम करे? मैं। तो ये कौन सोचेगा कि चक्कर क्या चलाया जाए? मैं। सोचना, मुझे क्यों परेशान कर रहा बताऊं? ये अपना घर में सोच कर आने का, इधर आया तो बताना पड़ेगा। बताओ, बात ऐसी है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। उधर चलिए। आया, हम दीवार के कान पे आते बताओ। चलिए भाभी, भाभी ये जो लड़की है ना बिजली, ये ठीक नहीं है। आयो इनने पैसे रे सेवक राम, ठीक नहीं है, उसका तबीयत खराब क्या? तो बड़ा बीमारी क्या? नहीं, उसका नियत ठीक नहीं है, एक नंबर की चोर है। जिस घर में नौकरी करती है उसी घर का सारा माल हड़प करके भाग जाती है। आयो ऐसा? मगर उसको मालिनी हमारा घर लेकर आया, बोला अच्छा लड़की है काम पर रख लो करके। अरे मालिनी भाभी को उसका बैकग्राउंड क्या मालूम, मुझसे पूछिए ना। वो यारी रोड के अनूप सोनी जी के यहाँ काम करती थी, वहाँ से 10 लाख रुपए की चोरी करके भाग गई। अयो देवड़ा। वहीं यारी रोड में संजय मिश्रा जी के यहाँ काम करती थी, 3 लाख रुपए की चोरी कर गई। बाबा कॉम्प्लेक्स में आदित्य श्रीवास्तव जी के यहाँ चोरी की इसने, 2.5 लाख रुपए की। अयो सेवक राम, इतना लाख रुपए होने के बावजूद ये बिजली नौकरी क्यों करता है? चोरी करने के लिए, सिंपल। अरे नौकरी नहीं करेगी तो चोरी कैसे करेगी? अयो थैंक यू सेवक राम, हम बच गया, हमारा घर में लाखों रुपए है ही नहीं तो चोरी क्या करेगा? हस्बैंड मतलब? अरे भाभी वो घर का ही माल साफ नहीं करती है, बल्कि घर के मर्दों को अपनी अदाओं के जाल में फंसा करके उन पर डोरे डालती है। फिर क्या? उस घर की मालकिन को नौकरानी बना देती है और खुद मालकिन बन जाती है।
फिर? और नौकरानी से घर का सारा काम करवाती है, बर्तन साफ करवाती है, झाड़ू पोछा करवाती है। बिजली, मैं और मेरा प्रेजेंट अक्सर ही बातें करते हैं। तुम होता तो कितना मजा आता, पीछे होता तो हमको बिल्कुल मजा नहीं आता। तुम मेरे को कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाता और वो पीछे हो हमको झाड़ू पोछा करवाता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। बिजली बिजली आई नौकरानी, ठीक से काम करो, झाड़ू लगाओ ठीक से, काम करो बोला पगार नहीं मिलेगा। ये काओ जी न्यम न्यम काओ तुम। अयो अयो अयो, हमको ऐसा नौकरानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको, हम उसको नौकरी से निकाल देगा। अरे बाप रे, कब कब? आज ही सेवाग्राम, आज ही। कितने बजे? अभी अभी आते ही उसको निकाल देगा, नौकरी पे नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। थैंक यू भाई। भैया हमारा भी प्यार होता जे, हमारा भी प्यार होता। यस्टरडे तुम हमारा नौकरानी के साथ में आग मटक्का करेगा ना, हम तुमको चढ़ेगा नहीं, हम तुमको चढ़ेगा नहीं, और उसको भी निकाल देगा इधर से। नौकर, घर में इतना काम पड़ा है और तू यहाँ पे टीवी देख रहा है? कहाँ गया था तू? दोस्तों से पैसे उधार मांगने। क्यों? घर में बुजुर्ग माँ बाप है ना, उनको पैसा भेजना है। बस नौकरों की यही आदत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब पगार मिलती है तो उसे तो जुए और शराब में उड़ा देते हैं, और जब पैसे घर में भेजने होते हैं तो दोस्तों से उधार मांगते हैं। जुए और शराब में तो पगार में तब उड़ाऊ ना जब पगार मिले। तुझे पगार नहीं मिली? क्यों? अरे ये मालिक लोग जैसे दिखते हैं ना ऐसे है नहीं, बेटा बेटा पुत्र पुत्र बोल के काम करवाते रहते हैं, पगार के नाम पे ठेंगा दिखा देते, रात दिन काम करवाते हैं। पर पगार देते क्यों नहीं है वो बता। कंजूस है, एक नंबर के कंजूस, टॉफी चॉकलेट भी नहीं खिलाते। पिछले साल दिवाली के दिन मैंने बोला, मैंने कहा बाऊजी बाऊजी मिठाई खिला, तो बोलते रामदाना खा ले स्वीट हार्ट। पर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई पगार क्यों नहीं मिली। चाल है ये इन लोगों की, ये तो इनकी कमाई का साधन है। नौकरों को 6-6, 8-8 महीना सैलरी नहीं देते, जब वो पगार मांगता है तो चोरी का इल्जाम लगा देते हैं उस पर। हाँ एक बात बता, जब तुझे ये सब कुछ मालूम है तो तू क्यों टिका हुआ यहाँ पे? 6 महीने की पगार मेरी बाकी है यहाँ पर, कैसे चला जाऊँ? तुम्हारा क्या है, तुम तो कभी भी जा सकती हो, 1 दिन की पगार तो कोई भी छोड़ सकता, कोई भी। अच्छा, अब उन लोगों में से नहीं है जो 1 दिन की पगार भी छोड़ दें। कहाँ जा रही हो? अपनी 1 दिन की पगार लेने। ये लेके रहेगी भाई साहब। सेठ जी। हाँ पुत्र। सेठ जी, आप हमारा 1 दिन का हिसाब कर दीजिए। पुत्र रोज का हिसाब रोज करेगी, भरोसा नहीं हम पे? वो महीने का कट्ठा ले लेना। मैं समझ गई, ये आपका महीने का हिसाब मैं समझ गई। नहीं 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 नहीं, आप तो मेरा हमेशा का हिसाब कर दीजिए, मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं है। क्यों पुत्र, क्या हो गया, किसने कुछ कह दिया क्या? हमें आप जैसे लोगों के यहाँ काम ही नहीं करना। हम जैसे लोग? पुत्र मतलब क्या है तुम्हारा पुत्र? एक तो आप ना ये पुत्र पुत्र वाला नाटक बंद कीजिए। पहले तो आप लोग पुत्र पुत्र कह के नौकरों से दिन रात काम करवाते हैं और फिर उनको 6-6 महीने की पगार भी नहीं देते। 6-6 महीने पगार नहीं देते? नहीं नहीं पुत्र, नहीं, ये बात गलत है, झूठ है ये बात पुत्र। कमाल है, अब तक तो बम फट जाना चाहिए था, कहीं से भी धमाके की आवाज नहीं आ रही है। जानबूझकर आप पहले पगार रोक लेते हो और फिर छोटी सी बात में लड़ झगड़ कर नौकर को घर से बाहर निकाल देते हो। ये तो क्या बकवास कर रही है पुत्र? ये तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो भला हो उस आदमी का। अरे आप लोगों की पोल खोल दी है उसने।
एक टोपी कुर्ते पजामे में तो गुजारा कर रहा है वो, अपने माँ बाप तक को पैसे भेजने होते हैं ना तो अपने दोस्तों से उधार मांगता है। एक मिनट हट गया बम। सेवक राम मैं ना। बिजली बोलो, शक्कर लेने आई हूँ? शक्कर नहीं, खून पीने आई हूँ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी सेवक राम नाड़ी दबा के। मेरा खून क्या मतलब? मैंने तुझे प्यार का देवता समझा, तू तो एकदम गुनाहों का देवता निकला। वो पत्थर के सनम, मैं चोर हूँ। मैं लोगों के घर में चोरी करके भाग जाती हूँ। मैं उनके मर्दों पर डोरे डालती हूँ, पूरी जायदाद अपने नाम लिखा करके मैं चली जाती हूँ। बोलो नारी दबा के। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ कसम, विद्या कसम, तुम झूठ बोलिए, सब बकवास है। ए मिस्टर, मैं ना सारे सबूत अपने साथ लेकर के आई हूँ, समझे? पीसीओ भाभी, ओ पीसीओ भाभी आइयो, हम सब सुन लिया जी। झूठा पाकंटी नंबर वन, हमको इसका बारे में सब कुछ जुड़ जुड़ बोला। तुमने पिछली की इज्जत और उसकी सदाबत पर उंगली उठाई है, मैं तुम्हारी उंगली क्या पूरा का पूरा हाथ तोड़ दूंगी। ना 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 बिजली, ऐसे बिजली की तरह मत कर। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी मजबूरी थी। ओए कुत्ते, वो हमारा ही नमक खा के तो तूने हमारे बारे में बोला, वो भी तेरी मजबूरी थी? मैंने क्या कहा बाबूजी? ओए कंजूस मक्खी चूस, बोल। बोला था कि नहीं? बोल। ओए खोते, बोल। अब चुप क्यों खड़ा है? छह महीने तक हम नौकरों को पगार नहीं देते, लड़ाई झगड़ा करके उन्हें घर से निकाल देते हैं। हाँ बाबूजी, माँ जी, चुप कर। खोता यार, जिस क्लास में पानी पीता उसी में छेद करता। माजी आराम फोर बदमाश कहीं का। देखिए ये सब झूठ है, ये राजकुमारी की चाल है, इसने आपको भड़काया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इनको भड़काया है या तूने हमको भड़काया है? नौकरों की ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तूने ये कहा नहीं था कि इन्होंने 8-8 नौकरों को घर से निकाला है? हाय रे बा, ये भी कहा तूने? ओए खोते, ओए पाजी बदमाश, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, निकल जाए इस घर से बाहर आउट। देखिए ये बात सच है कि मैंने आपके बारे में उल्टा सीधा कहा, ये भी सच है कि मैंने बिजली के बारे में उल्टा सीधा कहा, पर बस यही सुनने के लिए मैं बाहर खड़ा था। तूने मेरी बेटी को चोर कहा, तुझे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खिलाऊंगा, तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, तेरी एक एक हड्डी को चटका चटका के छोड़ूंगा, ना टूटेगी ना जुड़ेगी। बाबा चुप। बाबा क्या समझता है अपने आप को, क्या समझता है मेरी बेटी को? जाता कहा है? सारी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। कह रहा है तू? हमारा पैर तोड़ मुझे। सेवक राम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तुमको एक फैमिली मेंबर की तरह रखा, लेकिन तुम हमारे फैमिली मेंबर के बारे में ऐसा बात किया। अरे नहीं मालिनी भाभी, ऐसी बात नहीं है। बाबा मुझे नीचे उतारिए। नहीं फैलमा जी, आप उसको नीचे मत उतारिए। हमारे फादर इन लॉ जी के बारे में उल्टा सीधा बोला। हाँ बोला भाभी, बोला। हर कोई मुझे ये बोल रहा कि मैंने बोला, लेकिन कोई मुझसे पूछता कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, हम पूछता ऐसा क्यों बोला। पहले मुझे नीचे उतरवाओ। फैलमा जी नीचे उतारिए। मैं आपको बताता हूँ, जानना चाहती है भाभी तो सुनिए। मैं दिल के हाथों मजबूत, मैं चाहता था कि बिजली इस घर में काम करे, लेकिन आपने बिजली को पीसी और भाभी क्या नौकरी पे लगवा दिया और इस राजकुमारी को इस घर पे। सेवक राम, इतना लंबा रूट लेने की क्या जरूरत थी? शॉर्टकट मार के हमको बताना चाहिए था ना, ये दिल का मामला है। मुझे आपको ये सब बताने में शर्म आ रही है। यार एक बार मुझे बोल के तो देखता, हम खुद ही बिजली को इस घर में रख लेते काम पे। वैसे भी ये बदतमीज राजकुमारी इस घर में काम करने के लायक नहीं है। कड्डो जी कड्डो। क्या पीसीओ पुत्र, तुम्हें सूट करती है तो तुम रख लो अपने घर में। आइयो, अपना घर का कचरा हमारे घर में मत फेंको। हमें कचरा कहा? चूना भट्टी की राजकुमारी को कचरा कहा? हमें यहाँ काम ही नहीं करना है। थैंक यू। गई माता जी, भाभी। ओए भाई खोते, वो ऐसे कैसे माफ कर दे, क्या क्या बोला मेरे बारे में? कंजूस मक्खी चूस। फातिमा जी ठीक है, मालिनी पुत्र तुम कह रही हो ना तो माफ कर दे, वैसे भी इश्क का मामला, चल जाओ माफ किया ऐश कर। हाँ, तो इसका मतलब बिजली की इस घर में नौकरी पक्की। ऐसे कैसे पक्की? इसको एक टेस्ट देना पड़ेगा, इसको बोलो कि पहले बैठ के खाना खा के दिखाए, फिर मिलेगी नौकरी। एक मिनट,
पूरा दुनिया नौकर से खाना बनवा के फिर सेलेक्ट करती है, आप नौकर को खाना खिला के सेलेक्ट करोगे? मालिनी पुत्र तुम समझी नहीं। हाँ। दरअसल मैं देखना चाहता हूँ कहीं बिजली की खुराक इस राशन कार्ड के दुश्मन से ज्यादा तो नहीं है।